लोकसभा चुनाव के पहले चरण में राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक 12 सीटों पर 22.59% मतदान हुआ है। वोट डालने के लिए लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर लोगों ने स्थानीय समस्याओं के चलते मतदान का बहिष्कार भी किया है। जयपुर के हवा महल से विधायक बालमुकुंद आचार्य सुबह 7 बजे ही वोट डालने पोलिंग बूथ पर पहुंच गए। 10 मिनट तक लाइन में लगने के बाद उन्हें पता चला कि वे गलत बूथ पर आ गए हैं। इसके बाद उन्होंने दूसरे बूथ पर जाकर वोट डाला। राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी। 11 बजे तक 22.59% मतदान। बारात निकालकर वोट डालने पहुंचा गांव। कई स्थानों पर चुनाव का बहिष्कार। वहीं सीकर, जयपुर, नागौर में शादी के बाद कई दुल्हने वोट डालने मतदान केंद्र पर पहुंची। वहीं दौसा में पूरा गांव वोट बारात निकालते हुए मतदान करने पहुंचा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के जगतपुरा में वोट डाली। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर में मतदान किया। भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भी सुबह ही अपने अपने वोट डाल दिए।